सो भाई क्रिप्टो से पैसे कमा लो, भाई क्रिप्टो से पैसे कमा लो, क्रिप्टो से पैसे कमा लो। तो गाइस जब 2 साल पहले क्रिप्टो बहुत ज्यादा बूम पे था, आई एम टॉकिंग 2017 के टाइम, जब क्रिप्टो बहुत ज्यादा बूम पे था, लोग चाह रहे थे कि हम जितना भी पैसा कमाए हैं सारा पैसा क्रिप्टो में लगा दें, बिकॉज क्रिप्टो की हाइप आ चुकी थी। सीधा क्रिप्टो $1,000 से मान लो सीधा जा चुका था $18,000 को टच करके, $14,000 पे क्रिप्टो बार बार रुक रहा था, और इवन कई समय तक क्रिप्टो $8,000 पर स्टेबल था, राइट। तो उस समय कुछ ऐसी क्रांति आई थी मार्केट में कि सब बंदे सिर्फ क्रिप्टो करना चाहते थे, सिर्फ क्रिप्टो से पैसा अर्न करना चाहते थे। क्रिप्टो मतलब ऐसा चीज कि रात में हाथ डाले और सुबह अमीर बन गए, राइट। तो गाइस उस समय जब 2017 में मैं भी क्रिप्टो में था, और मैं पहले से क्रिप्टो में था बट क्रिप्टो में उतना ज्यादा फोकस नहीं था, बट 2017 में जब मेरे पास कुछ क्रिप्टो था तो एक हाइप आया और मेरे भी क्रिप्टो के रेट्स बढ़ गए। तो उस समय मैंने भी फोकस किया था ट्रेडिंग पे, राइट। मैंने ये नहीं कि मैं उस समय जस्ट एंटर हुआ था, मैं पहले से एंटर था उस मार्केट में, बट मैंने उस समय फोकस किया ट्रेडिंग पे, राइट। तो मैंने 6 महीने जो थे मेरे, वो मैंने पूरे नष्ट कर दिए थे, बिकॉज क्रिप्टो लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। जैसे लोगों का आ रहा था, स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि ये होगा वो होगा, तो मैंने भी स्टार्ट किया क्रिप्टो फोकस करना। देन बहुत सारे लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, उन लोगों से भी मैंने सीखा काफ़ी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी आप क्रिप्टो क्यों नहीं करते, क्रिप्टो क्यों नहीं करते। बिकॉज गाइज हुआ ये, और मैं आपको भी सजेशन देना चाहूंगा कि आप क्रिप्टो मत करो अगर आप अभी भी क्रिप्टो करते तो, और क्यों करो, मतलब किस लिए करना चाहिए और कौन कर सकता है, ये मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो एकदम ध्यान से मेरे पॉइंट्स को सुनो। देखो जब मैं उस समय कर रहा था, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग सीखी, मैंने बहुत पैसे कमाए, राइट, लिटरली बहुत पैसे कमाए, लेकिन उसका 2x पैसा मैंने फंसाया और वो गया, लिटरली गया। आज भी मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसे हैं, राइट। मैं एफिलेट उस समय भी कर रहा था, आज भी करता हूँ। जो मेरा प्योर बिजनेस है, जो मेरा बेस बिजनेस है, वो मैं उस समय भी कर रहा था, आज भी करता हूँ, राइट। बट मैंने भी क्रिप्टो में पैसे फंसा है, बिकॉज ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, राइट। मैंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन उसका 2x पैसा वहां लगा है, जो पैसा आज तक वहां पर अटका हुआ है, बिकॉज सीधा यहां से क्रिप्टो यहां चले, राइट। तो फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सो रिस्की। अगर आपका हार्ड एंड मनी, आपने बहुत मेहनत से जो पैसे अपने जॉब में या अपने ऑफलाइन बिजनेसेस से अर्न किया है, और उसको आप क्रिप्टो में लगा के सोच रहे हो कि 2020 में फिर क्रिप्टो ऊपर जाएगा, तो कभी मत लगाना। क्रिप्टो उन लोगों का गेम है जिनके पास बहुत सारे पैसे साइड में पड़े हुए, मतलब कि वही लोग जो काफी ज्यादा रिच हैं पहले से ही। गाइस क्रिप्टो एक लेजिट बिजनेस नहीं है, क्रिप्टो वो बिजनेस है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे को भूल जाओ। कभी एक्सेप्ट नहीं करना आपको कि वो पैसा वापस भी आपकी तरफ आएगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है, बिकॉज सबसे पहले जो मैंने चीज कही है, सो रिस्की, हाईली रिस्की, राइट, बहुत ज्यादा रिस्की है। सेकेंड चीज, नो गारंटी, नो गारंटी। देखो क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो कॉइन्स पे डिपेंड है, और वो कॉइन्स जो कभी दिखते नहीं है, राइट, जिसको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकल कॉइन्स नहीं है, फिजिकल करेंसी नहीं है क्रिप्टो। तो सेकेंड पॉइंट यही है कि वो करेंसीज कब गायब हो जाए मार्केट से, यू नेवर नो। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जब इसमें ट्रेडिंग कर रहा था, राइट, क्रिप्टो पिया करके एक साइड है, मैं उसमें ट्रेडिंग कर रहा था, उसमें मेरे नहीं भी तो 20 से 30 ऐसे कॉइन्स थे जिसको मैंने लेके रखा था, जो टाइम बाय टाइम गायब हो गए, राइट। अब आप बोलोगे कि अभी भी बहुत सारे गुरुज हैं जो आपको बता रहे हैं क्रिप्टो करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ गाइस, उनके पास पहले से बहुत पैसा है। अगर आप क्रिप्टो करना चाहते हो तो करो, बट उनके बैकग्राउंड को तो चेक करो, उनके पास पैसा है या नहीं। उनके पास बहुत पैसा है पहले से, और उनका जो पैसा है ये चला भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। और उनके पीछे भी कई बिजनेसेस चल रहे हैं, वो सिर्फ आपको आगे शो कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं है। आपको पता है इंडिया में अभी तक कोई भी क्रिप्टो को लीगल तौर पे नहीं देखा जा रहा है, राइट। इवन गवर्नमेंट बैन करने के फिराक में है क्रिप्टो को। ये जो आप अफवाह सुनते हो कि क्रिप्टो का लीगलाइजेशन होने वाला है, क्रिप्टो का ये होने वाला, वो होने वाला है, सिर्फ अफवाह होती है, क्योंकि क्रिप्टो जो है, करेंसी जो है, वो चलती है हाइप के बेसिस पे। जितना ज्यादा हाइप बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका रेट बढ़ेगा। तो जो लोग बैठे हुए हैं इसके पीछे, वो हाइप करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनका बड़ा बड़ा पैसा इस मार्केट में लगा हुआ है,
वो हाइप करते हैं, अपना प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, और आप जैसे और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग जो पैसे अर्न कर रहे हैं, जिनके पास पहले से इतना ज्यादा पैसा नहीं है, वो फंस जाते हैं एट द एंड और आपके पैसे चले जाते हैं, राइट। तो ये पूरी मार्केट हाइप की जाती है प्रॉफिट को निकालने के लिए, देन उसको छोड़ दिया जाता है एंड देन राइट। गाइस समझो थोड़ा इस चीज को, इस साइकोलॉजी को समझो, ये पूरा गेम है, ये पूरा मार्केट है पैसा अर्न करने के लिए जस्ट, और ये कुछ भी नहीं है, कोई भी लीगल बिजनेस नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है कि सर आप क्यों नहीं करते हो, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई स्टेबल बिजनेस नहीं है, कोई लीगल बिजनेस नहीं है, ये रात भर में आपको खत्म कर सकता है। यस, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो करो, इन्वेस्टर हो तो करो, क्योंकि आप भूल जाओ उस पैसे को देखो कि मैंने इस पैसे में, इस करेंसी में, इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद मुझसे कुछ रिटर्न आएगा, भूल जाओ उसको वहीं, राइट। तो गाइस ये कुछ तीन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर आप इन तीनों पे ध्यान से थोड़ा सा सोचो, देखो सोचो और अपना हार्ड एंड मनी इसमें मत डालो, राइट। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डालो, जितना डाल सकते हो उतना डालो, लेकिन प्लीज ये नहीं कि मैं ये बिजनेस बंद कर रहा हूँ, वो बिजनेस बंद कर रहा हूँ और मुझे क्रिप्टो में काम करना है, बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं। अब आपका क्या राय है और आपका क्या व्यू है ऑन दिस पॉइंट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये वीडियो कैसी लगी लाइक करो, और जितने भी क्रिप्टो प्लेयर्स दिख रहे हैं प्लीज उनको भेजो ये वीडियो और बताओ फैक्ट क्या है, प्लीज गाइस हेल्प देम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग और यहाँ तक पैसे उधारी ले लेके क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं। इवन मेरे मेरे मतलब सराउंड में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस समय काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर चुके थे, बट इस समय वो लोग ब्याज पे पैसा लेके क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। इवन वो लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं और लॉस पे लॉस 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 किए जा रहे हैं, बट उनका दिमाग नहीं खुल रहा। तो मेक श्योर गाइज लोगों की हेल्प करो और समझाओ उनको कि क्रिप्टो एक लेजिट बिजनेस नहीं है। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।